हेलो, गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप सब? एकदम बढ़िया। नए दिन की शुरुआत हो चुकी है और हाँ, आप देख पा रहे होंगे मुझे कि मैं एक ही ड्रेस में काफ़ी दिन से व्लॉग बना रहा हूँ। बेसिकली 2 दिन से, आज तीसरा दिन। तो प्लानिंग ये है कि मुझे ड्रेस चेंज करने के लिए जाना पड़ेगा देवगांव, क्योंकि मेरी ड्रेस वहीं पर रखी हुई है। सोचो कितनी अमीरियत है कि ड्रेस चेंज करने के लिए मुझे यहाँ से ट्रेवल करके जाना पड़ेगा वहाँ पर ड्रेस चेंज करने के लिए। तो वहाँ से मैं अपनी ड्रेस चेंज करके वापस यहाँ पर आऊँगा। इतनी अमीरियत कैसे है? अरे छोड़ो, ऐसी कोई बात नहीं है। टूर पे गए थे, सारे कपड़े वहीं पर रखे हुए हैं धुले हुले, तो मुझे बस वहाँ से पहन के आना है। प्लस मुझे एक ड्रेस साथ में लेके आनी है। तो आज के अगर मैं आपको काम बताऊँ बेसिकली, तो पहला काम तो मुझे ये है कि मुझे ड्रेस चेंज करके आनी देवगांव जाके। फिर गुडागोड़ जी आके मुझे बैंक में जाना है। बैंक में जो काम था अपना वो कल कंप्लीट हो चुका है। बस आज वहाँ से ATM और मेरी पासबुक जो मतलब होती है जिसमें सब कुछ लिखे आता है, बस वो चीज़ें लेके आनी है। और उनसे पूछना है कि कौन सा ऐप है करंट अकाउंट का, कि सेमी बैंक है सब कुछ। तो मतलब मेरा अकाउंट सेविंग अकाउंट भी है उधर ही, तो मेरे को पूछना पड़ेगा ना कि उधर की कौन सा है कौन सा नहीं है। तो ये सब कुछ सेकंड काम हो गया। थर्ड काम, मुझे झुंझुनू जाना है। झुंझुनू जाके मुझे एक दो काम है छोटे छोटे, एक तो बैंक का ही काम है। और फिर झुंझुनू के अंदर जो छोटे छोटे काम थे वो कंप्लीट करने के बाद में वहाँ से निकलेंगे जयपुर के लिए। अच्छा, एक काम और रह गया बीच में, गुड़ागोड़ जैसे मुझे कुछ सामान लेना है जो दुकान के लिए क्रैप्ड आ गया था, कुछ साइजेस मिसमैच आ गई थी। मुझे वो सामान लेके जयपुर निकलना है। जयपुर क्यों निकलना था मुझे भी वो याद आया। और उसके बाद में वहाँ पे चेंज भी करवाना है उनसे सामान सारा का सारा। और मीटिंग है कल संडे की किसी ब्रांड के साथ में, तो संडे को वहाँ पर मार्केट बंद रहता है, तो मैं दोनों काम एक दिन नहीं कर सकता। तो मैं आज चला जाऊँगा, फिर संडे को अच्छे से नहा धो के मैं उधर मीटिंग में जा सकता हूँ। संडे का वहाँ पर स्टे रहेगा, मंडे को वहाँ से सामान लेके अपनी बस के अंदर बैठ के गुड़ागोड़ जी पहुँच जाएंगे। तो फाइनल सब कुछ बस इतना ही सा काम है, कुछ ज़्यादा बड़ा काम नहीं है। बट एक दो दिन का ट्रिप फिर से रहने वाला है, तो अभी पहले काम स्टार्ट करने के लिए पहले यहाँ से निकलना जरूरी है। सो अभी यहाँ से निकलते हैं। सो अभी चल चुके हैं देवगांव की तरफ। और बेसिकली ये मेरा राइडिंग प्लेस रहता है। अब अभी आपको मैं हेलमेट का जो रिव्यू के लिए पूछ रहे थे सारे के सारे कि हेलमेट का रिव्यू कैसा है, हेलमेट कैसा दिखता है कैसा नहीं दिखता, तो मैं अभी आपको दिखाता हूँ। उसमें मेरी आवाज़ नहीं रहेगी तो आप आराम से देख सकते हो। अपने पहला काम और मैंने कर लिया अपनी ड्रेस चेंज, जो कि ये शर्ट है जो नया नया लिया था मुंबई गए थे तब। और ये मेरी पैंट है, नीचे ब्लैक पैंट। तो ड्रेस चेंज हो चुकी है और अपना पहला काम हो चुका है कंप्लीट। बस बड़ी मिजी यहाँ पे, मोनो वहाँ पे, बाइक अपनी खड़ी है यहाँ पे। और थोड़ी देर में यहाँ से निकलेंगे और सेकंड काम अपना गुड़ागोड़ जी में रहेगा। तो गुड़ागोड़ जी जाके सेकंड काम अपना करते हैं कंप्लीट। और बेसिकली धीरे धीरे छोटे छोटे काम धीरे धीरे कंप्लीट होते हैं। टाइम थोड़ा सा एक्स्ट्रा हो गया यहाँ पे, क्योंकि मेरा टाइमिंग था कि 10 बजे यहाँ से निकल लूँगा, बट आधा घंटा लेट हूँ। और आधा घंटा करता मेरे को लग रहा है झुकते 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 जयपुर में लेट होगा। बट कोई बात नहीं, हो जाता है ऊपर नीचे मामला। तो अभी यहाँ से पहले निकलते हैं। सो अभी आ चुका हूँ अपनी शॉप पे और मेरा सेकंड काम कंप्लीट हो चुका है, जो कि था मेरा बैंक का। बैंक पर जरा प्रॉपर वीडियो नहीं बना सकता, थोड़ी प्रॉब्लम आती है। और अगर किसी को कुछ भेजना हो तो मेरे ये अकाउंट नंबर है गुड़ागोड़ जी की, IFSC कोड कहीं ना कहीं आपको मिल जाएंगे, ऑनलाइन मिल जाएंगे। तो आपको अगर इसी अकाउंट नंबर पे कुछ रुपए सेंड करना है तो आप कर सकते हो, क्योंकि मेरा करंट अकाउंट बन चुका है। तो बेसिकली ये सब कुछ है और सेकंड काम कंप्लीट। तो अभी थर्ड काम कंप्लीट करने के लिए चलते हैं। लेट बहुत ज़्यादा होगा क्योंकि बैंक में मेरे को बहुत ज़्यादा टाइम लग गया। तो बेसिकली जो मेरा फाइनल काम है, थर्ड काम, झुंझुनू जाके फिर वहाँ से जयपुर निकलना, तो वो करने भी निकलना है। धूप बहुत तेज़ होकर रखी है बाहर। और अच्छी बात यह है कि आज जितने भी काम कर रहा हूँ सारे कंप्लीट होते जा रहे हैं, तो ये अच्छा लगा आज के दिन में। सो अभी बाकी के काम आगे और करते रहते हैं। सो अभी हूँ मैं बस के अंदर और बस में बैठा हूँ। इस टाइम पे बस चली जा रही है और बाहर का भी कुछ ऐसा है, बल्कि क्या कि मेरे पास में सामान हो गया था कुछ इस टाइप का, तो मुझे चेंज करवाना है जयपुर के अंदर। तो इसलिए सोचा कि बाइक पे चलने की जगह बस में चल लेता हूँ। ऊपर से मौसम भी बारिश जैसा हो गया था, फिर सोचा कि चल लेते हैं बस में। तो इसलिए बस में आया, बस में बैठा हूँ यहाँ पे। थोड़ी देर बाद में पहुँच जाऊँ मैं झुंझुनू में, और झुंझुनू जहाँ पर पहुँचूँगा वहीं पर दूसरी बस मिल जाएगी जयपुर के लिए। तो वहाँ से मैं जयपुर में बस में बैठ के
फटाफट से जयपुर पहुंच जाऊंगा। सो अभी आ गया हूँ जयपुर वाली बस के अंदर और बेसिकली मेरा बैग और मेरे पास जो सामान है नीचे मैंने रख दिया यहीं पे। फ़ोन की बैटरी बहुत डिस्चार्ज है, मैं पावर बैंक लाना भूल गया हूँ यार, पहली बार ज़िंदगी के अंदर डाला था मैंने, बट सामान वामान ऊपर नीचे करने की वजह से पावर बैंक मेरे घर पर ही रह गया और उसकी वजह से बहुत प्रॉब्लम होने वाली मुझे पता है। वे निकालते हैं सफ़र, 16:42 हो चुके हैं यहीं पे और एक कितना पावर बैंक है नहीं, बैटरी जो है वो है 16% है इस टाइम पे फ़ोन की बैटरी, मतलब फ़ोन का चार्ज या फ़ोन की परसेंटेज जो भी बोल सकते हैं। निकालते हैं इसको जयपुर तक कैसे निकलते देखते हैं। डायरेक्ट मैं बस से मिल रहा हूँ आपको इस अभी इस गेस्ट हाउस में और बेसिकली हुआ क्या था कि पावर बैंक मैं भूला नहीं था, पावर बैंक मेरे पॉकेट में था, घर आने के बाद पता लगा फ़ोन डिस्चार्ज हो गया था और बेसिकली बड़ी छोटी प्रॉब्लम भी हुई कि फ़ोन डिस्चार्ज रहा क्योंकि हर चीज़ आजकल ऑनलाइन हो चुकी है, पेमेंट भी, मैप देखना, इधर उधर जाना आना, उबेर करना, ये करना वो करना, थोड़ी बड़ी प्रॉब्लम हुई तो ब्लॉग वो शूट नहीं हो पाया पता है मुझे। तो बस ये सब कुछ था ब्रीफ में बताऊँ तो जयपुर आ गया हूँ फिर से सामान लेने के लिए प्लस थोड़ा सा मीटिंग करने की छोटी सी मीटिंग इतनी सी मीटिंग करने के लिए और थोड़ा सही भी होने के लिए, तो सब कुछ ठीक है, मामला सब कुछ बढ़िया हो गया। तो इस ब्लॉग कहीं पे एंड करते हैं, टाटा बाय, गुड नाइट, सब लोग अपना ख्याल रखना, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।